सो हेलो गाइज, नमस्कार प्रणाम, कैसे हो आप लोग। आई होप सो कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग अपने फ़ोटो से वीडियो कैसे एडिट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को आज अपने फ़ोटो से, खुद के फ़ोटो से वीडियो एडिट करने के लिए बताऊँगा कि आप लोग मतलब फ़ोटो केवल अपना 10-15-20 जितना भी फ़ोटो है वो वाला फ़ोटो लगा करके, इफेक्ट लगा करके आप लोग वीडियो कैसे बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे होंगे, ऐसा ही वीडियो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बना करके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा मैं आप लोगों से, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं आगे चल के कोई भी वीडियो लेकर के आऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सिंपली आप लोगों को अगर आप फ़ोटो से अपना वीडियो एडिट करना चाहते हैं तो आप लोगों को एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, जिस ऐप का नाम है काइन मास्टर। जी हाँ दोस्तों, ऐसे तो बहुत सारा एप्लीकेशन आता है, जैसे कि पावर डायरेक्टर, काइन मास्टर, और भी मतलब जैसे मोबाइल की चौड़ाई के हिसाब से भी बहुत सारा मतलब वीडियो एडिट करने के लिए आता है, लेकिन मैं आप लोगों को आज काइन मास्टर से बताने वाला हूँ। इससे आप लोग जैसा चौड़ाई अगर चाहें, फुल स्क्रीन अगर फ़ोन का अगर चाहें एडिट करना तो भी कर सकते हैं काइन मास्टर से, यानी कि इसमें बहुत सारा प्रोसेस दिया है। आप लोग अगर यूज करना चाहें तो बहुत ही बढ़िया से इसको यूज कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सिंपली आप लोगों को काइन मास्टर डाउनलोड कर लेना है। उसके लिए आप लोगों को प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद सिंपली आप लोगों को यहाँ पर सर्च कर लेना है काइन मास्टर। काइन मास्टर सर्च करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, तो आप लोग देख सकते हैं यही वाला है काइन मास्टर। अगर आप लोग यहाँ पे नहीं आना चाहते तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ विदाउट वाटर मार्क काइन मास्टर का, वहाँ से जाकर के आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूँ फ़ोटो से वीडियो एडिट करने के लिए। तो सिंपली आप लोगों को अपने काइन मास्टर को ओपन कर लेना है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को इसमें बहुत सारा इफेक्ट लगाने के लिए बताऊंगा और बहुत ही बेहतरीन ये वीडियो होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा। तो आइए प्लस के आइकन पे आप लोगों को क्लिक कर देना है, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 3 साइज़ दिया है, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया है कि इसमें अगर आप फुल मोबाइल का भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो फुल वाला ये है जो 9.16 दिख रहा है, ये वाला है, और जो फर्स्ट वाला दिख रहा है ये यूट्यूब साइज है, और सबसे लास्ट वाला जो दिख रहा है इंस्टाग्राम साइज है। इसमें 3 साइज़ दिया है, तो इस तीनों साइज़ में आप लोग कोई भी एक साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यूट्यूब साइज़ करने वाला हूँ, तो ये वाला ले रहा हूँ। इसे लेने के बाद सिंपली आप लोगों के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, तो सिंपली आप लोगों को मीडिया पे क्लिक कर देना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारा आप लोगों के फाइल में जितना भी फ़ोटो होगा इसमें आ जाएगा, फ़ोटो वीडियो हर एक चीज़ आ जाएगा। तो सिंपली मैं इसमें जो पिक्चर्स दिखाई दे रहा है, तो मैं इसमें से एक फ़ोटो, 2-4 फ़ोटो ले रहा हूँ। तो मान लीजिए मैं इसमें से कई फ़ोटो ले रहा हूँ, ये ले लिया, फिर से ये। मैं आप लोगों को केवल एडिट करके बताने वाला हूँ, आप लोग अपना फ़ोटो खुद का ले सकते हैं। मैं इसमें जो भी है वो ले रहा हूँ, फ़िलहाल के लिए मेरे में उतना फ़ोटो नहीं है। मान लीजिए मैंने इतना फ़ोटो ले लिया। अब दोस्तों, इसमें ऐसे अगर हम लोग प्ले करें तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें कोई इफ़ेक्ट अभी नहीं दिखाई दे रहा है। तो सिंपली इस फ़ोटो में इफ़ेक्ट लगाना है, तो आइए बताते हैं कैसे लगाना है आप लोगों को। और दोस्तों, इसमें एक ऑडियो आप लोगों को जोड़ना होगा, तो ऑडियो से जैसे टाइमिंग मिलाना पड़ता है फ़ोटो का, तो काफ़ी अच्छा एडिट हो पाता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग एक ऑडियो ले लेते हैं। तो ऑडियो मान लीजिए हम इसमें से कोई एक ले रहे हैं। मान लीजिए मैंने ये वाला सॉन्ग ले लिया। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं मेरा ऑडियो आ चुका है नीचे, जैसे कि मैं आप लोगों को एक बार प्ले करके दिखा दे रहा हूँ। तो ये रहा दोस्तों फ़ोटो। तो सिंपली आप लोगों को इस फ़ोटो को छोटा छोटा कर लेना है, तो सिंपली इसी फ़ोटो पे क्लिक करके आप लोगों को इसे ऐसे कम कर लेना है, एकदम बिल्कुल ही कम कर लेना है सभी फ़ोटो को, जितना कम हो जाए सभी फ़ोटो को ऐसे ही कर लेना है। अब दोस्तों, इसी फ़ोटो पे क्लिक करके आप लोगों को यहाँ पे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर देना है, और नीचे वाले पे आना है। नीचे वाले पे आकर के इसको जूम कर लेना है, फिर इसको सही के आइकन पे क्लिक करके इसे सही कर देना है, सभी फ़ोटो को ऐसे ही कर लेना है।
तो दोस्तों देख सकते हैं ये वाला हो चुका है। अब मैं आप लोग इसमें इफेक्ट लगाने के लिए बताता हूँ कि इस फोटो में इफेक्ट आप लोग कैसे लगा पाएंगे। जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हैं ये अभी सादा है, ये काफ़ी कम हो चुका है दोस्तों। इसको थोड़ा सा और हम लोग बड़ा बड़ा कर लेते हैं। आप लोग जितना लंबा करना चाहें उतना कर सकते हैं, मतलब उतना बड़ा बड़ा आप लोग कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देख सकते हैं ये काफ़ी स्लो है, तो इसमें इफेक्ट आप लोग लगाएंगे तो ये काफ़ी मस्त लगेगा। तो इस पर क्लिक कीजिए आप लोग। इस पर क्लिक करने के बाद इसमें बहुत सारा इफेक्ट दे दिया, इसमें से कोई भी आप लोग लगा सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये सब देख सकते हैं, इसमें बहुत सारा इफेक्ट आप लोगों को मिल जाएगा। तो मैं ये वाला लगा ले रहा हूँ, इसका फिर क्लिक कर दीजिए इसको। मतलब अगर और टाइमिंग आप लोग इसका स्लो करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, देख सकते हैं ये बिल्कुल स्लो हो गया है। अब ऐसे इसे सभी में लगा लीजिए कोई कोई इफेक्ट, इसको भी स्लो कर लीजिए जितना स्लो हो सके। ये देख सकते हैं इसमें बहुत सारा इफेक्ट दिया है, तो आप लोग कोई भी लगा लीजिए, देख सकते हैं ये सभी में आप लोग लगा लीजिए। इसको भी स्लो कर लीजिए, जितना ही स्लो रहेगा उतना ही वीडियो देखने में मज़ा आएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे लग चुका है, एक बार और आप लोग प्ले करके देख लीजिए। तो दोस्तों देख सकते हैं ये ऐसे आप लोग अपने फोटो का वीडियो एडिट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत सारा इफेक्ट आप लोग लगा सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को और भी कुछ अगर जानना है, जैसे काइन मास्टर में मतलब ये चीज़ वीडियो कैसे एडिट किया जाता है, चाहे ये वाला इफेक्ट कहाँ से मिलता है, तो आप लोग कॉमेंट में पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो उसको बनाने के लिए कोशिश करूँगा, कोशिश नहीं दोस्तों मैं ज़रूर बनाऊँगा, क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल के लिए हर एक कॉमेंट का वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग मतलब कॉमेंट कीजिए, मैं उस कमेंट के हिसाब से आपका वीडियो तैयार करूँगा। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग कि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं आगे चल के कोई भी वीडियो लेकर के आऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।